तो सबसे पहले दोस्तों यहां स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 5 लाख की यहां पे मुझे क्रेडिट लिमिट मिल चुकी है इस ऐप में। 5 लाख की, पूरे 5 लाख की लिख के आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर अवेलेबल लिमिट इज 5 लाख। दोस्तों यहां पे मुझे 5 लाख की लिमिट मिली है जिसमें से मैंने 50,000 रुपए निकाल लिए, मतलब अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए हैं। तो जब मैंने अपने अकाउंट पे ट्रांसफर करे तो मेरे बैंक का स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मुझे 47,500 रुपया रिसीव हुआ है बैंक में, और मैसेज भी आप चेक कर सकते हैं बैंक का, मुझे 47,500 रुपए का लोन मिल चुका है। दोस्तों आप बैंक का स्टेटमेंट चेक कर पाएंगे तो नीचे कोने पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक NBFC का नाम लिख के आ रहा है जो कि आप अच्छे से जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं आपको वीडियो में लाइव फुल प्रोसेस के साथ दिखाऊंगा कि मुझे NBFC से लोन मिला है, किस ऐप से लोन मिला है, वही NBFC का यहाँ पे नाम भी लिख के आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं, घर बैठे लोन ले सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी ऐप है, 700 के सिविल पे ये आपको लोन प्रोवाइड कर देगी, सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरी दोनों को प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको अपना इनकम प्रूफ लगाना होगा, तो आप यहाँ पे घर बैठे लोन ले सकते हैं। दोस्तों बहुत ही कम ब्याज पे आपको ये लोन ऐप लोन प्रोवाइड कर देती है। ये कौन सी ऐप है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ यहाँ आपको लाइव डिटेल से दिखाने वाला हूँ, बकायदा लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, स्क्रीन पर लिख के आ रही होगी @LLB0, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उस पर भी क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों एक बात का और मैं आपको क्लियर कर दूं, लोन ऐप कोई भी अच्छी नहीं है, लेकिन जब जरूरत है पैसे की तो आप लोन ले सकते हैं, लेकिन तब ले जब चुकाने में सक्षम हो, अदरवाइज लोन बिल्कुल भी ना ले, यही आपके जी का जंजाल बन जाएगा। अगर आप समय से लोन नहीं चुकाते हैं आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोन तब ले जब चुकाने में सक्षम हो। तो चलिए दोस्तों यहां से भी आप जो है लिमिट ले सकते हैं, कितनी लिमिट मिलती है आपके प्रोफाइल और सिविल स्कोर के ऊपर, यानी सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए यहाँ स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको इस लोन ऐप की डिटेल शेयर करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले ऐप को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के उसको लॉग इन कर लेंगे OTP के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे आपको अपनी कुछ डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, जिसमें मतलब आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा जो भी आपकी इनकम है। और यहाँ पे आपकी इनकम दोस्तों कम से कम इस ऐप के हिसाब से 25,000 होनी चाहिए, वैसे 28,000 बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा 25,000 की इनकम है महीने का, तो ही आप यहाँ पे ट्राई करिएगा, अदरवाइज यहाँ पे बिल्कुल ट्राई मत करिएगा, ठीक है। और आपको 700 को सिर्फ ये लोन प्रोवाइड कर देती। चलिए यहाँ पे गैस स्टार्ट पे क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई करते हैं। दोस्तों उसके बाद आपसे यहाँ पे कुछ एडिशनल पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी, आपको अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना पैन नंबर डालना है, आपको अपना करंट पिन कोड डालना है। पिन कोड इसलिए मांगा जा रहा है कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं इस लोन ऐप की सर्विस अवेलेबल है या नहीं है, लोन प्रोवाइड करती है कि नहीं करती, वो आपको डालना होगा, ईमेल डालना होगा। उसके बाद आपको सब सब कुछ भरने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ से आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स मांगी जाएंगी, आप सैलरीड है या एम्प्लॉयड है। सैलरीड है तो यहाँ पे आपको सैलरीड वाले जो आपको प्रूफ देने होंगे, किस कंपनी में काम करते हैं, कितनी इनकम है, कितनी सैलरी आती है, वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे देखिए साफ साफ नीचे दिया हुआ है कि 25,000 रुपए पर मंथ की इनकम होनी चाहिए, आपको वहां पे बैंक का स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा जिसमें 25,000 पर मंथ की इनकम होती हो। तो यहाँ पे हम बैंक का स्टेटमेंट ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो आप ये भी लगा दीजिएगा जब आपसे मांगा जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एम्प्लॉयड हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं खुद का काम करता हूँ, तो एम्प्लॉयड सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं ये अपनी जो नेट मंथली इनकम है यहाँ पे मैंने डाल दी है, ठीक है, वो डाल के यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे लिख क्या था, वेल डन यू आर अप्रूव्ड फॉर इन प्रिंसिपल क्रेडिट लाइन ऑफ 5 लाख। 5 लाख की क्रेडिट लाइन मिल चुकी है, 17% यहाँ पे हमको इंटरेस्ट लगेगा, प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे आपको 500 रुपए लगने वाली है, और विड्रॉल टेनवर मतलब कि यहाँ पे जो टेनवर टाइम है यहाँ पे आपको मिनिमम 3 महीने अधिकतम 36 महीने का मिल जाता। तो चलिए अब यहाँ पे हम अपनी KYC को कंप्लीट करते हैं इस क्रेडिट लिमिट को लेने के लिए, तो प्रोसीड टू KYC पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें आधार के वेरिफिकेशन के लिए आधार नंबर डालना होगा, और जो हमारा इसमें मोबाइल नंबर लगा है उस पर OTP आएगा, उससे हमें वेरीफाई करना होगा। तो चलिए इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए हम सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी सेल्फी देनी, तो चलिए हम यहाँ पे अपनी सेल्फी भी अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे हमारी KYC पूरी तरह से वेरीफाइड हो चुकी है, यहाँ पे हमने जो आधार लगाया था, पैन लगाया था, वो वेरीफाइड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक एग्रीमेंट आ जाएगा, क्रेडिट लाइन जो आप दे रहे हैं ना कंपनी की तरफ से एक जो है एग्रीमेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको इसको पूरा पढ़ लेना, उसके बाद एक्सेप्ट करके क्लिक करके आगे बढ़ना। तो यहाँ पे पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं, तो ठीक है, कितनी का क्रेडिट लाइन मिल रही है, कब तक का मिल रही है, जो भी डिटेल्स होती है क्रेडिट लाइन से संबंधित यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, तो ठीक है इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिख क्या रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर क्रेडिट लाइन इज एक्टिव एंड रेडी टू यूज, मतलब की 5 लाख की क्रेडिट लाइन मैं एक्टिव कर चुका हूँ और इसको मैं यूज करने लायक हो चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पे लिख के आ रहा है 5 लाख की लिमिट है, इसको मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। दोस्तों जरूरी नहीं है कि पूरे 5 लाख ही करो, इसमें से आपकी जितना मर्जी हो, जितना आपको लोन अमाउंट की जरूरत हो उतना ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपने लोन अमाउंट को अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी का आपकी लिमिट इसमें पड़ी रहेगी। तो मुझे फिलहाल 50,000 की जरूरत है, तो चलिए यहाँ पे 50,000 रुपए
अपने बैंक में ट्रांसफर करता हूँ। तो दोस्तों 50,000 रुपए लेने के लिए मुझे यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर देना होगा, अपनी अकाउंट डिटेल देनी होगी, एफसी कोड अकाउंट नंबर देना होगा और उसी अकाउंट से जिस अकाउंट में पैसा लोगे उसी अकाउंट से आपको यहाँ पे जो है ऑटो पे आपको लगाना पड़ेगा, मतलब कि इमीडिएट लगाना पड़ेगा ताकि जो आपकी किस्त है ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाए। तो चलिए यहाँ पे इस प्रोसेस को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, 1 रुपए डाल के जो है वेरीफाई कर लिया गया, मेरा अकाउंट जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए अब यहाँ पे ई मैंडेट को भी हम सक्सेसफुली यहाँ पे जो है एक्टिव कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिख क्या रहा है, रजिस्टर्ड योर ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, मतलब कि मेरा ई मैंडेट भी लग चुका है, ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से जो किस्त ईएमआई है वो कट जाया करेगी। तो दोस्तों उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा विड्रॉ का, मतलब कि आप क्रेडिट लिमिट में से जो भी लोन अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा, कस्टमाइज योर लोन। ठीक है, 5 लाख की लिमिट है तो 50,000 का यहाँ से मुझे लोन लेना है, तो यहाँ पे क्यों लेना है उसका आपको पर्पज जानना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करना है, मेडिसिन या कोई भी आपकी जरूरत है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे घूमने जाना है तो मैंने ट्रैवल डाल दिया है, 50,000 का लोन चाहिए ना तो मैंने 50,000 सेलेक्ट कर लिए हैं, टेनो टाइम जो भी है यहाँ पे आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल बन के आ रहा है, मेरी ईएमआई मंथली की 2,500 रहेगी, इंटरेस्ट रेट मेरा 9.99% रहेगा, टोटल लोन अमाउंट जो है 50,000 की है, प्रोसेसिंग फीस मेरी 5% की लगी है और यहाँ पे जो ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट है वो 0 है, लेकिन 5% प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद ही आपके अकाउंट में पैसा डाला जाएगा जो कि करीब 47,500 रुपये मेरे अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है, मैं आपको वीडियो के समय प्रूफ दिखाई चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको एनुअल परसेंटेज यानी जो एपीआर लगेगा वो 13% लगेगा। तो लोन डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी है, तो चलिए हम इसको विड्रॉ कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि विड्रॉ सक्सेसफुल, वी हैव ट्रांसफर्ड, ये जो भी हमारे रुपए है ना वो लिख के नहीं आ रहा है, टू योर बैंक अकाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, कंफर्म पे क्लिक करके आप इसे पूरा कंफर्म कर सकते हैं। तो हमारे अकाउंट में जो है पैसा डाल दिया गया है, 1 से 2 घंटे में जो पैसा आ जाता है अकाउंट में, तो मैंने 2 घंटे तक इंतजार किया, 2 घंटे बाद मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। तो चलिए यहाँ पे मैं बैंक का प्रूफ देगा फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे आप बैंक का स्टेटमेंट देख सकते हो और यहाँ पे बैंक का मैसेज भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे 47,500 का लोन मुझे आज की डेट 5 सितंबर में मिला है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ और साथ में आपको बताऊंगा इस ऐप का नाम क्या जो आपको ये 50,000 का लोन प्रोवाइड कर देगी, यानी 5 लाख तक की क्रेडिट लिमिट भी प्रोवाइड कर देगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस ऐप का नाम है प्रीवो इंस्टेंट क्रेडिट लाइन ऐप। इस ऐप में मुझे 5 लाख की क्रेडिट लिमिट मिली है जहां से मैंने 50,000 रुपए निकाले हैं और यहां पे आप देख सकते हैं कि 47,500 रुपए मेरे अकाउंट में आया है 5% प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद 700 के सिविल पे ये लोन प्रोवाइड करती है। दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे होगे किसेस टू सेशन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड करके आ रहा है, यहां पे आप देख पा रहे होगे जो लिखा है ठीक उसी बैंक स्टेटमेंट में आप नीचे देखोगे लिख के आ रहा है किसेस टू सेशन फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो उससे ये क्लियर होता है कि मुझे इसी ऐप से लोन मिला है, इसी ऐप से मैंने लोन लिया, ये वो ऐप है जहां से आप ले सकते हो 5 लाख तक की लिमिट। भैया मुझे तो पूरे 5 लाख की मिली है और हो सकता है कि आपके सिविल स्कोर या आपके प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पे आपको लिमिट कम मिले, 1 लाख की मिले, 2 लाख की मिले, 50,000 की मिले, तो उसी में से आप जो अपनी लोन अमाउंट को चुन सकते हैं और अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं ये प्रीवो इंस्टेंट लोन ऐप है, 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है, 3.6 की रेटिंग है। तो ऐप में आप जाएंगे दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पूरी जानकारी मिल जाती है, देखिए मिनिमम 20,000 से लेकर 5 लाख तक की आपको जो है यहाँ पे जो है लोन मिल जाता है, मिनिमम 3 महीने का टर्न टाइम मिल जाता है, 60 महीने का अधिकतम मिल जाता है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो मिनिमम 10% है मैक्सिमम 40% है, प्रोसेसिंग फीस की बात करें मिनिमम 1% है मैक्सिमम 3% है, लेकिन अभी प्रोसेसिंग फीस थोड़ी बढ़ गई है जो कि अभी मैंने दिखाया 5% तक की मुझे लगी है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, इस तरह से यहाँ पे पूरा आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे एज भी दे रखी है, मिनिमम 21 साल से लेकर 57 साल के बीच की एज होनी चाहिए, मिनिमम आपकी 18,000 सैलरी, 18,000 की इनकम है, सैलरीड हो या एम्प्लॉयड 18,000 की इनकम है तो ही आपको लोन मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों 25,000 से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैं क्लियर कर दूं 18,000 यहाँ पे लिखा है लेकिन आपकी 25,000 से कम की इनकम नहीं होनी चाहिए, सैलरीड हो या एम्प्लॉयड तो ही आपको लोन मिलेगा, फिलहाल आप ट्राई कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए सिविल 700 को सिविल पे लोन प्रोवाइड कर देती है, हर किसी को नहीं करती लेकिन काफी केसेस में इसने लोगों को लोन प्रोवाइड किया है कम सिविल पे, 700 को सिविल पे, तो यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप पूरी जानकारी ले सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है प्रीवो की, यहाँ से भी आप पूरी जानकारी ले सकते हो। दोस्तों ये थी प्रीवो इंस्टेंट लोन ऐप जो आपको 700 को सिविल पे लोन प्रोवाइड कर देती है काफी ठीक ठाक ब्याज पे, और ये मुझे पूरा लोन जो मिला है पूरे 2 साल के लिए लोन मिला है। दोस्तों यहाँ से आप भी 50,000 का लोन आसानी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको पूरा लाइव दिखा दिया है। सिर्फ सैलरीड और सैम्पलड वालों को ही इससे लोन मिलता है, अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड है तो भी आपको लोन मिलेगा। मैं आपको एक ऐप सजेस्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है ट्रूवेलेंस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां पे आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड लगाना है, बिना किसी इनकम प्रूफ के आपको 1,000 से लेकर 15,000 का लोन मिल जाएगा। मेरे लिंक से लोगों को लोन मिलेगा चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह से नाविका भी दे रखा है, नावी को भी डाउनलोड करो, कैश लोन पे क्लिक करो, आधार कार्ड पैन कार्ड पर लोन ले लो, 50,000 का आपको नावी से भी लोन मिल जाएगा। मैंने नावी का भी लिंक दे दिया, नावी से भी आप जो है
लोन ले सकते हो मेरे लिंक से, मैंने लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है परिवार समझ गए होगे। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। प्रिवो से लोन आप आसानी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम सिविल पे भी लोन प्रोवाइड कर देती है, मतलब ज्यादा कम ना, मतलब 700 के आसपास है तो भी आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है परिवार समझ गए होगे। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।